हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बड़े होंगे। गाइस, आज के वाला जो वीडियो है थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मैं कुछ बिजी चल रहा था ना, इस वजह से। अभी मैं आते हैं अपने टॉपिक पे। गाइस, आज हम बनाने वाले इस हाइड्रोलिक जैक को, जो आपको ये जैक दिख रहा है पूरे एकदम फुल मेटल में वाला हाइड्रोलिक जैक है। और गाइस, ये वाला जो जैक ना बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब हमने इसे किसी प्लास्टिक से नहीं बनाया हुआ है, पूरे एकदम जितना आपको बॉडी इसकी दिख रही है ये पूरी एकदम मेटल की है। और ये पाइप भी मेटल का है, पूरा सिस्टम पूरा मेटल का ही है। तो मतलब इसमें हम कितने भी अपना लोड डाल लें, कोई भी भारी चीज उठा लें, हमारी जैक बेकार नहीं होने वाला है। और गाइस, इसको बनाने वाले बहुत एकदम सिंपली, वैसे मतलब हमारे जो जैक होते हैं पूरे एकदम बने बनाए ही हमें मिल जाते हैं। और हमें कुछ मतलब ज्यादा हल्के फुल्के इसमें चेंजेस करना होता है, बस साइड साइड में यहाँ पे पाइप पाइप ही लगाने। और ये कहाँ मिलने वाले हैं आपको भी मालूम पड़ जाएगा, तो वीडियो में कंटिन्यूसली बने रहना, कोई ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, पूरे एकदम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। गारंटी से मतलब 50 से 60 रुपए में आपको नॉर्मल तरीके से बन जाएगा। क्या आपको पता मतलब हाइड्रोलिक जैक बनाने में सबसे ज्यादा मुश्किल काम इसमें क्या होता है? जहाँ पे आपको साइड में आपको ये फ्रंट वाली जो चीज हिस्सा दिख रहा है ना, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि मतलब आगे से हमारा लीकेज ना करने लगे। आगे से हम कोई प्रेशर डालते हैं तो हमारा जो हाइड्रोलिक जैक ऊपर साइड में यहाँ पर निकल आता है, बट गाइस जब ऊपर साइड में ज्यादा प्रेशर लगता है ना, तो भी क्या होता है मतलब आगे साइड से हमारा जो ऑयल लीकेज होने लगता है। तो गाइस, अभी हम आपको कुछ भी नहीं करने वाले, मतलब ये पूरे एकदम बना बनाया पूरे एकदम सेटअप मिलने वाला है। फटाफट से करते हैं स्टार्ट वीडियो को। और गाइस, स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, मतलब इतनी मुश्किल से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। और चैनल में नए हो, अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी का बटन सेट कर लेना। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना किसी देर के। तो अभी इस हाइड्रोलिक जैक को बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, तो उसको भी रखते हैं साइड में और चलते हैं अपने काम। तो यहाँ पर जो लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा सा चीज दिख रही है ना, पता है क्या चीज है? इसे बोलते हैं गैस स्प्रिंग। और एक गैस स्प्रिंग पता आपको कहाँ मिलेगी? जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, कार वार होती है ना, इनके पीछे जो डिग्गी लगी होती है खोलने वाली, उनको उठा देते हैं जो, उसके डिग्गी के पीछे इस तरीके की गैस स्प्रिंग लगी होती है बड़ी बड़ी। इनका काम क्या होता है कि मतलब कोई भी भारी चीज को हम एकदम नॉर्मल तरीके से उठा सके, उसके लिए गैस स्प्रिंग का काम किया जाता है। और ये मतलब थोड़ी दबती हुई है इस तरीके से, इतनी पावर नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन बट गाइस जब इन्हें आप दबाओगे ना तो ये बहुत मतलब टाइटली तरीके से दब जाती है इस तरीके से। सॉकर बोलते हैं मतलब उसी तरीके का इसका वर्किंग प्रोसेस होता है। तो ये गैस स्प्रिंग आपको ये डिफरेंट साइज में मिल जाएंगी, मतलब छोटी भी आती है, इससे बड़ी भी आती है। कार की जो डिग्गी विग्गी रिपेयर होती है ना, पीछे वाली मतलब डिग्गी होती है वहाँ पर, जहाँ पर रिपेयर होती है वहाँ पर आपको चले जाना है। उन्होंने उनसे अंकल से बोलना है कि भैया मुझे गैस स्प्रिंग दे दो। उनके पास जो उनसे एकदम पुरानी है बेकार पड़ी हुई है वो आपको इसी तरीके से दे देंगे। 50 रुपये मुझे मिल गई थी, मतलब इजी तरीके से ये बेकार पड़ी हुई थी उनके पास, मतलब कबाड़े में वो बेच देते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है। तो वहाँ पे आप जाके इजी तरीके से ले लेना। अगर आप नए का यूज़ करते हो तो गाइस आपको ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलने वाली है। एक तो अगर आप इसको नए का यूज़ करते हो, नहीं आप कबाड़े की दुकान में चल जाना, वहाँ पे भी आपको ये मिल सकती है। नहीं यहाँ पे कार वार रिपेयर होती है ना, जो कार की डिग्गी विग्गी रिपेयर होती है वहाँ पे आपको इजी तरीके से मिल जाएगी। या फिर यहाँ पे गेट मतलब गेट की जो खिड़कियाँ विड़कियाँ बनती हैं उनके यहाँ पे भी आपको इजी तरीके से मिल सकती है। तो गाइस आप किसी भी पुरानी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फिर इसका भी आगे काम हम कर लेते हैं, क्या क्या इसमें चेंजेस हम करने वाले हैं। तो सारी नॉलेज तो अभी आपको मिल गई है, चलते हैं फिर काम पे। कुछ चीज निकले भी तो वो मतलब साइड में ही निकलती चली जाए। तो गाइस अभी जो बड़ा पाइप थी तो फुल्ली कटिंग हो चुका है, इसका बैक साइड हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया। और जैसे कि इसके अंदर जो पिस्टन अभी घुसा हुआ अंदर, इसको भी थोड़ा बाहर निकाल लेना। और अगर इसका पिस्टन अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें पिस्टन में हमारी कोई भी ओरिंग अभी नहीं है, मतलब ये जो पिस्टन है हमारे पूरे एकदम फुल्ली प्लास्टिक का है। और यहाँ पे कोई भी रबड़ वबड़ या किसी वाशर का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं किया गया है। तो अभी इस पिस्टन को थोड़ा हमें अपडेट करना पड़ेगा। गाइस अगर हम इसमें बिना ही कुछ चेंजेस किए अगर हम इस डायरेक्टली इस पिस्टन का यूज़ करते हैं हम इसमें पर सिलेंडर में, तो अभी क्या होगा, मतलब जो हमारा पिस्टन सही तरीके से वर्क नहीं करने वाला होगा। मतलब एक तरीके से क्या है कि जो हमारे अंदर ही अंदर ऑयल का लीकेज हो सकता है। तो अभी ऑयल को लीकेज को रोकने के लिए अभी इसमें जो प्लास्टिक का यहाँ पे जो वाशर लगा हुआ है, इस प्लास्टिक के वाशर को निकाल के अभी हम यहाँ पे लगाना होगा एक रबड़ का वाशर। तो अभी क्या करना होगा, तो हम यहाँ पे ओरिंग का यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस आपको जो ओरिंग पता है आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पे जो हार्डवेयर शॉप होती है वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आपको ब्लैक कलर की जो रिंग दिख रही है, ये गाइस ओरिंग होती है, मतलब ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है। अब इस ओरिंग को भी डायरेक्टली इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि इसके
अंदर ना भी थोड़ी गहराई ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा धागे में हम लपेट देंगे और इससे क्या वो थोड़ा मतलब अंदर ही अंदर इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। उसको फेविक्विक से अच्छी तरीके से चिपका देना है। तो वैसे भी जो हमारी ब्लैक कलर की ओरिंग थी उसको हम सिंपली इसके अंदर अभी लगा देंगे। और गाइस हमारे एक ओरिंग से हमारा काम नहीं चलने वाला, तो इस पिस्टन को अभी थोड़ा मोटा करना पड़ेगा। तो मोटा करने के लिए हम यहाँ पे पीवीसी शीट का यूज़ करने वाले हैं। तो आप किसी भी पीवीसी शीट का यूज़ कर सकते हो, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो। तो जो हमारे पिस्टन का साइज इसको यहाँ पे सिंपली इस तरीके से बना लेना, मतलब यहाँ पे इसका पूरा मेजरमेंट आप कर लेना इस तरीके से। हम यहाँ पे तीन बना लेने हैं। अगर आपकी पीवीसी शीट ज़्यादा मोटी तो आप यहाँ पे दो का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा मोटी बना लेनी है हिसाब से, तभी आप वीडियो में कंटिन्यूसली बने रहना, आपको मालूम पड़ जाएगा। सेकंड पिस्टन तो बनके एकदम पूरा रेडी हो गया। इसकी जो भी चौड़ाई है गाइस आपको अभी 1 सेंटीमीटर से, मतलब थोड़ी बहुत आपको ज़्यादा ले लेनी है, मतलब 1 सेंटीमीटर के आसपास इसकी भी चौड़ाई है। तो अभी हमें क्या करना है, मतलब इसको इस तरीके से हम इसके अंदर डालने वाले हैं। तो गाइस अभी जो हमारा पिस्टन है ऑटोमेटिकली मतलब अभी बाहर को साइड में भी निकलना है, तो अभी यहाँ पे अभी हम आउटर लॉक का यूज़ करने वाले हैं। और ये आउटर लॉक आपको हार्डवेयर शॉप में इजीली तरीके से मिल जाएगा, 5 रुपये का मिल गया था मुझे। तो यहाँ पे आउटर लॉक को लगाने के लिए भी यहाँ पे थोड़ा मार्किंग करनी होगी हमें। तो यहाँ पे पेन से मैं सिंपली इस तरीके से मार्किंग कर लेता हूँ। गाइस आउटर लॉक लगाने से क्या होता है, मतलब हमारा जो पिस्टन है अंदर ही रहेगा और हमारा पिस्टन बाहर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भी, तो यहाँ पे हैक्सा ब्लेड से आपको साइड साइड में इसकी अभी हल्की हल्की कटिंग कर लेनी है, मतलब थोड़ा इस तरीके से धारी सी आपको बना लेनी है। इससे क्या होगा, जो हमारा आउटर लॉक यहीं पर आके जाके लॉक हो जाएगा। तो इस पिस्टन को सिंपली इसके अंदर हम डाल लेते हैं। और जो हमारा आउटर लॉक इसको पूरे एकदम ध्यान से आपको डालना है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा टाइट होता है आपकी इसमें उंगली भी दब सकती है ना गाइस, बहुत ज़्यादा टाइट होता है। आपको आराम आराम से करके इस आउटर लॉक के यहाँ पर नीचे ले जाना बिल्कुल ही, और नीचे ले जाने के बाद आपको अच्छी तरीके से लॉक कर देना, और प्लायर की हेल्प से भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर दाब देना है। गाइस इस आउटर लॉक का प्लास से दाबना मत भूलना, अगर आप इसे प्लास से नहीं दाबते हो ना तो आपको आउटर लॉक क्या पता खुल भी सकता है ज़्यादा लोड की वजह से, तो आपको अच्छी तरीके से दाब देना है। तो हमारा जो अभी ओरिंग है, ये गाइस ओरिंग आपको हार्डवेयर शॉप में इजीली मिल जाएगा, मैंने आपको बताया है। तो आपको हार्डवेयर शॉप में जाकर बोल देना भैया यहाँ पे ओरिंग हमें दे दो, तो आपको ओरिंग का पूरा डब्बा दे देगा, उसमें आपको मतलब अच्छी तरीके से साइज को चूज कर लेना। वैसे जो हमारा पिस्टन एकदम फुल्ली एकदम बनके कंप्लीट हो चुका है, तो अभी इस पिस्टन को भी सिलेंडर में डालने से पहले इसको ऊपर की साइड में यहाँ पे भी होल करना होगा। तो इससे क्या होगा, मतलब हमारी जो गैस यार इसके अंदर मतलब जाम नहीं होने वाली है, गैस इसी तरीके से यहाँ पर निकल जाएगी। तो अभी यहाँ पर सी ऑयल में या किसी भी हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल में इसको डाल लेना है। और अभी जो पिस्टन, इस पिस्टन को सिंपली सिलेंडर के अंदर डालेंगे और चेक करेंगे मतलब कहीं हमारे पिस्टन अटक तो नहीं रहा, मतलब सिंपली एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पर चला जाना चाहिए। बस हल्का फुल्का यहाँ पर टाइट जाए वो चल जाएगा, मतलब हल्का ढीला नहीं होना चाहिए ज्यादा पिस्टन, नहीं अगर टाइट चलेगा तो गाइस आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। मतलब टाइट होने पर क्या होगा, आपका जो पिस्टन है साइड में से उसका कोई लीकेज नहीं होने वाला है। तो इसका बैक साइड बनाने के लिए भी क्या करना होगा, जो हमने बैक साइड यहाँ पर अभी कटिंग किया था तो उसको भी ऊपर साइड में यहाँ पे होल कर लेना है, एक छोटा सा होल करना है यहाँ पे, जहाँ पे मैं एक पाइप को ऐड करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे छोटा सा हमने होल कर लिया, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। और यहाँ पे इसके पीछे साइड में यहाँ पे एक वाशर लगाने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे छोटा सा यहाँ पर जो नट बोल्ट या कोई भी वाशर आपको यहाँ पे इस तरीके से बैल्ट करवा लेना। इससे क्या होगा, जो हमारा पिस्टन है यार बिल्कुल डायरेक्टली नीचे की साइड में अटैच नहीं होगा, मतलब पिस्टन नीचे की साइड से हल्का उठा रहेगा। और अभी इसको वापस से जॉइंट करने के लिए हम यहाँ पे गैस बेल्डिंग का यूज़ करने वाले हैं। तो आपको गैस बेल्डिंग की दुकान में चले जाना और वहाँ पे आप जाकर इस तरीके से आप बेल्डिंग करवा सकते हो। तो आप यहाँ पे नॉर्मल बेल्डिंग का यूज़ नहीं करना, अगर आप इसमें बेल्डिंग मशीन का यूज़ करते हो बड़ी वाली बेल्डिंग मशीन का, तो गाइस आपका ये पाइप यार बेकार हो सकता है। तो आप यहाँ पे गैस बेल्डिंग का यूज़ करना है, इससे क्या होगा मतलब आपकी एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे बेल्डिंग हो जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा पाइप का यूज़ करने वाला हूँ। और गाइस ये वाला पाइप आपको जहाँ पे एसी रिपेयर होते हैं, यहाँ पे फ्रिज व्रिज रिपेयर होते हैं, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको लाकर यहाँ पे वेल्डिंग करवा लेना पीछे की साइड में। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा पीवीसी पाइप का छोटा सा एक पीस यूज़ करने वाला हूँ, और जो कि इसके पाइप को हमने 3.5 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पे कटिंग कर लेना। इससे क्या होगा, मतलब हमारा जो हाइड्रोलिक जैक एकदम फुल्ली एकदम उसका जो लुक है एकदम रियल हाइड्रोलिक जैक की तरह आने वाला है। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से यहाँ पे हमें घिस लेना है, और चलिए इसका पूरा एकदम फिटफाट कर लेते हैं। और अभी जो हमारा पाइप, इस पाइप को थोड़ा नीचे की साइड में से घिस देना हल्का हल्का। इससे क्या मतलब थोड़ा आपको स्लाइड से बना देना है, मतलब पीछे की साइड में से हल्का पतला करना है, फिर पतला मतलब उठा हुआ इस तरीके से, मतलब आपको थोड़ा मतलब स्लाइडिंग से आपको बना देना।
और गाइस मेरे हाथ में भी आपको जो ये जाली दिख रही है ना गाइस, ये जाली नहीं है, मतलब ये पाइप की जाली है। जो गाइस हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज के पीछे यहाँ पर जो पाइप लगे होते हैं गाइस वही है। तो मतलब फ्रिज रिपेयरिंग की शॉप में आपको चले जाना, वहाँ पे आपको बोलना भैया मुझे पाइप दे दो, पीछे साइड में जो लगा होता है कंडेंसर बोलते हैं इसे, तो आप ये वाला पाइप ले लेना। मुझे मतलब ये मिल गया था 30 रुपये मुझे दे देते इतना वाला पाइप, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से पाइप ले लेने हैं। तो उस पाइप के यहाँ पे छोटी सी एक लंबी सी एक लाइन पूरी कट, तो अभी हमने यहाँ पे जो छोटा सा पाइप कटिंग किया हुआ है, मतलब छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इस पाइप को हम यहाँ पे आगे की साइड में लगाने वाले हैं। तो गाइस अभी आपके मन में एक डाउट होगा, मतलब इस पाइप को हमने यहाँ पे वेल्डिंग क्यों नहीं किया, तो जैसे हमने पीछे वाले साइड में हमने पाइप को वेल्डिंग कर लिया था, तो आगे वाले साइड में हमने पाइप को वेल्डिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे साइड में यहाँ पे ओरिंग लगी होती है बहुत सारे, जो कि मतलब प्लास्टिक के होते हैं, रबड़ के बहुत सारे ओरिंग लगे होते हैं, जिससे हमारा ऑयल लीकेज ना हो पाए। अगर हम यहाँ पे वेल्डिंग करते तो हमारे ओरिंग वो सारे जल जाते, तो गाइस इससे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए हमने यहाँ पे वेल्डिंग नहीं किया। हम यहाँ पे इसलिए मतलब फेविक्विक की हेल्प से और यहाँ पे थोड़ा मतलब बुरादा लेके प्लास्टिक का घिसा हुआ इससे आपको चिपका देना, मतलब इससे बहुत अच्छी तरीके से और बहुत भी ज़्यादा मजबूती से यहाँ पर चिपक जाएंगे, तो आपको इसका यूज़ कर लेना है। तो गाइस हमारी जो आने वाली वीडियो होंगी उसमें आपको कोई और तरीका भी बताऊंगा, मतलब हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको भी इस तरीके से चिपका लेते हैं फटाफट से, और फेविक्विक की कंजूसी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड पड़ने वाला है इसमें। पहले इसका पेंट अभी हटाना पड़ेगा क्योंकि जब हम इसमें पेंट करेंगे ना, और यहाँ पे जो पहले से टूटी फूटी सुई पड़ी है और इससे थोड़ा अलग दिखेगा, इसके कारण ब्रेक माल से या सेल्फ पर से। हाइड्रोलिक जैक इसके आगे साइड में हम यहाँ पे वो कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर लगाना होता है, मतलब गोल तरीके का जो होता है। तो अभी अगर स्प्रिंग को लेकर इसके जो फ्रंट साइड में यहाँ पे चीज लगी होती है, तो आप इसी चीज को यहाँ पर लगा देना कनेक्ट करके इस तरीके से। यहाँ पे देखो मतलब कनेक्टर टाइप में ही होता है, तो आप इसका यूज यहाँ पर कर सकते हो। तो अभी मतलब मैं इसमें नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए इसमें नॉर्मली इस तरीके का चला के दिखाऊंगा आपको। आपके बाद और बता दो, जैसे कि हम अपने चैनल में एक एक्सकेवेटर बना रहे हैं 1/8 स्केल का, और एक्सकेवेटर क्या होता है आपको साइड में मालूम पड़ेगा होगा, ये एक्सकेवेटर होता है, मतलब चेन वाला जो मशीन होता है इसको बोलते हैं एक्सकेवेटर। और पता है उस एक्सकेवेटर में सबसे छोटे वाला जो हाइड्रोलिक जैक है, ये गाइस वही हाइड्रोलिक जैक है। अब इससे थोड़े बड़े बड़े वाले हाइड्रोलिक जैक भी बनने वाले हैं। जो हमारा एक्सकेवेटर हमारा 1/8 स्केल का होने वाला, जो कि मतलब काफी ज्यादा बड़ा होता है। और इस एक्सकेवेटर में सबसे छोटा वाला जो हमारा हाइड्रोलिक जैक है, ये गाइस वही वाला हाइड्रोलिक। आपको एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत पड़ जाती है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दे करो, आपको सिर्फ लाइक ही करना है। और चैनल में अपने चैनल सब्सक्राइब कर लो, और नेक्स्ट वीडियो देखना है तो घंटी घंटे पर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।